हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सी इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रूट हेयर्स तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने रूट हेयर्स की रूट हेयर्स आपके रूट्स में प्रेजेंट होती हैं एंड रूट हेयर्स का काम होता है एब्जॉर्बन करने का तो so, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे तो की कॉन्सेप्ट आ गया है यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट तो की कॉन्सेप्ट आ जाएगा रूट हेयर्स रूट हेयर्स अब रूट हेयर्स हमारे हैं ये आपके होते क्या हैं ये हेयर लाइक आउट ग्रोथ है रूट हेयर्स के बारे में बात करेंगे रूट हेयर्स रूट हेयर्स आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर हेयर लाइक हेयर लाइक आउट ग्रोथ है हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ ऑफ अ प्लांट रूट ऑफ अ प्लांट रूट एंड इसका दे आर ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ दे आर ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ ऑफ द एपिडर्मिस ये जो आउटर लेयर जो हमारी एपिडर्मिस होती है उसकी आउटग्रोथ होती है ये ये एक्चुअल में वहां से अराइज करते हैं तो एपिडर्मिस है टली एक्सटेंडेड तो एपीडर्मल जो सेल्स होते हैं दैट ग्रेटली ग्रेटली ये क्या करते हैं इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द रूट एपीडर दैट ग्रेटली इंक्रीज द इंक्रीजेज द सर्फेस एरिया सरफेस एरिया तो सर्फेस एरिया क्या होता है रूट का इंक्रीज हो जाता है ऑफ द रूट देन इससे क्या हो जाएगा जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट होगा जो एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल्स का उतना ज्यादा ही वो एब्जॉर्बेशन करेगा तो दिस इंक्रीजेस दिस इंक्रीजेस अब इसका काम क्या हो जाएगा दिस इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ वाटर अमाउंट ऑफ वाटर तो वाटर का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा एंड न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स वो भी आपके क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे दैट आर एब्सॉर्ब्ड बाय दैट द प्लांट्स दैट द प्लांट्स कैन एब्सॉर्ब एब्सॉर्ब फ्रॉम द सॉइल तो उसका क्या होगा वो वो आपका ज़्यादा अमाउंट में आपके रूट हीयर्स आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो वाटर और मिनरल्स का सॉयल से एब्जॉर्ब कर पाएगा तो ये आपका क्या है ये होते हैं रूट हीयर्स होते हैं रूट हेयर से ही आपका सॉइल से वाटर जाएगा आपका जाइलम से जाइलम के थ्रू और ये फिर आपका अपर पार्ट ऑफ प्लांट्स पहुंचेगा तो दिस इज ऑल अबाउट द रूट हीयर्स होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक